दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप अपने व्हाट्सएप का ऑनलाइन स्टेटस डीपी हाइड कर सकते हैं? मेरा नाम है अजय और हम आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को इंजाम देने से पहले हम उसका प्रूफ देखते, तो चलिए देखते। पहले मैं अपना दूसरा व्हाट्सएप ऑन करता हूँ, जिससे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा डीपी अभी एक्टिव है। ये व्हाट्सएप चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं इधर मेरा नंबर है, ये देख सकते हैं ये मेरा नंबर है। अभी इस पर आपको दिख रहा है ये मेरा ऑनलाइन ये अभी मेरा ऑनलाइन स्टेटस दिखा नहीं रहा है, ये ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहा है और ये मेरा डीपी फोटो दिखा रहा है। अभी हम इसको आपको हाइड करके दिखाएंगे, मतलब आप अपने सामने वाले से इसको कैसे छुपा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है कि अपना जो व्हाट्सएप है उसको लॉन्च करें। व्हाट्सएप लॉन्च करने पे आपको उसके सेटिंग्स पे जाना है। ये व्हाट्सएप लॉन्च, अभी आपको उसके सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करना है। आपको एक अभी एक नया ऑप्शन आएगा प्राइवेसी, प्राइवेसी का जो ऑप्शन है ये हाल ही में ऐड हुआ है व्हाट्सएप में, और इसके ज़रिए आप अपना लास्ट सीन, प्रोफाइल फ़ोटो, स्टेटस सबसे छुपा सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम खाली अपना प्रोफाइल फ़ोटो और स्टेटस हाइड करते, जैसे कि मेरा स्टेटस अभी ऑनलाइन है तो फिर मेरा जो स्टेटस है वो सब लोग से हाइड हो जाएगा। मेरा जो पहले वाला व्हाट्सएप, इसको क्लोज करके रिस्टार्ट करते, आप देख सकते हैं मेरा ये वाला अच्छे से सेव हो गया। इसको ये वाला व्हाट्सएप अभी आप बंद कर सकते हैं। और जब हम देखने जाए अपना ओरिजिनल व्हाट्सएप पे तो फिर अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिखा रहा है, ना ही हमारी डीपी फ़ोटो दिखा रही है, ना ही हमारा स्टेटस दिखा रहा था जो हाल ही में दिखा रही थी। पर ये जो अभी हमारी लास्ट सीन है ये 2057 दिखा रही है, यानी कि अब इसके बाद अगर आप ऑनलाइन आओ ना आओ पर आपका लास्ट सीन अभी हमेशा 2057 ही दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम लोग ने अपना डीपी तो नॉर्मल कर दिया, अभी आपको इसको अगर वापस नॉर्मल करने का है तो आपको वापस अपना व्हाट्सएप लॉन्च कीजिए, सेम सेटिंग सब सेम आप नॉर्मल पे करके आपका सब नॉर्मल कर सकते हैं। अभी हम आपको एक नया ट्रिक बताते हैं व्हाट्सएप की। अभी जब सेटिंग्स जाएंगे तो अभी आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन। असल में ये होता क्या है कि अगर आप अभी जैसे कि व्हाट्सएप का नया अपडेट आया था क्यू आर कोड के जरिए, बहुत लोग व्हाट्सएप हैक कर लेते, तो इसकी वजह से व्हाट्सएप ने अपडेट निकाला। ये अपडेट के जरिए अगर कोई आपके व्हाट्सएप के अकाउंट पर लॉगिन करेगा तो फिर आपको आपको अपना व्हाट्सएप एकदम सेफ रहेगा। अभी हम इसको अनेबल करके दिखाते हैं आपके आपको जो कोड सेव करने का डायल करने का। अभी मैं अपना कोड डायल कर रहा हूँ, आपको तो अपना ईमेल टाइप करना है। असल में ये ईमेल होता है इसलिए कि अगर आपको भी अपना पासवर्ड भूल सक जाए तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अभी आपका ईमेल कंफर्मेशन मांग रहा है, ईमेल री टाइप कीजिए। अभी हम इसको सेव करने के लिए रेडी है, डन। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी हम अपना व्हाट्सएप का वही अकाउंट वापस खोलते, नया न्यू व्हाट्सएप, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री। अभी देखो फोन नंबर मांगेगा, ओटीपी, मैं ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। इधर हमारा व्हाट्सएप का कोड आ गया है 314804। अभी आप देख सकते हैं हम अपना व्हाट्सएप का कोड डाल दें, अभी जो हमने टू स्टेप वेरीफाई किया था वो अभी इसके बाद इसका मेन सीन है। अभी आप देख सकते हैं आपको एक पासकोड मांग रहे हैं, तो ये पासकोड वही पासकोड है जो आपने अभी उधर टू स्टेप वेरीफिकेशन में डाला था।
ये हमारा व्हाट्सएप पास कोड है 7208366। नेक्स्ट मैं आप देख सकते हैं सर रेडी हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोस की